भारत से अपने फेसबुक वाले प्रेमी के लिए पाकिस्तान जाने वाली अंजू इस समय इंटरव्यू दे रही है। वो लगातार सुर्खियों में बनी है। अंजू ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में अपने पाकिस्तान जाने और नसरुल्लाह से मुलाकात का पूरा किस्सा सुनाया। अंजू ने कहा, अरविंद के साथ शादी के बाद से ही रिश्ते सही नहीं थे। 15 साल उन्होंने बहुत कुछ सहा और एडजस्ट करने की कोशिश की। अंजू ने कहा कि आज उनके घर वालों और दोस्तों सभी ने उनका साथ छोड़ दिया। कोई भी उसकी अच्छाई नहीं देख रहा क्योंकि वो पाकिस्तान चली गई। उन्होंने कहा कि आज तक वो एक आज्ञाकारी बेटी की तरह रही। पहली बार उन्होंने दिल की आवाज़ सुनी और ये रिस्क लिया। अंजू ने बच्चों को लेकर कहा कि वो चाहती तो बच्चों को साथ लेकर जा सकती थी, लेकिन उनकी पढ़ाई और भविष्य खराब होता है इसलिए वो नहीं गई। अंजू ने कहा कि वो अपने बच्चों की माँ और बाप दोनों है। उनके भविष्य के लिए जो भी कर सकती है वो अच्छा करने की कोशिश कर रही है। अंजू से जब मीडिया ने पूछा कि क्या वो अंजू से बात कर रहे हैं या पाकिस्तान की फातिमा से, इस पर उन्होंने कहा, आप दोनों ही समझ लो। मुझे वहाँ जो प्यार से नाम मिला वो फातिमा है, बाकी मैं भारत की नागरिक हूँ। मैं भारत की बेटी हूँ, इसलिए आप मुझे अंजू कहकर बुला सकते हैं। अंजू ने नसरुल्ला के परिवार को लेकर भी खुलासा किया। उसने कहा कि नसरुल्ला का परिवार काफ़ी बड़ा है। उसके 4 भाई हैं जिसमें वो सबसे छोटे हैं। नसरुल्ला का मेडिकल से जुड़ा काम है। अंजू ने कहा कि पाकिस्तान में रहने के दौरान वो पेशावर गई। अंजू से जब पूछा गया कि क्या उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, इस पर उसने कहा कि हाँ, वहाँ जो भी माहौल था उसमें वो शामिल हो गए। अंजू के मुताबिक पाकिस्तानी लोग भारत को बड़े भाई के तौर पर देखते हैं। अंजू ने कहा, किसी को भी मेरे प्यार करने से दिक्कत नहीं थी, सभी को दिक्कत मेरे पाकिस्तान जाने से थी। उसने कहा कि मैं अपने माँ बाप और देश के लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे समझने की कोशिश करें। मैं भारत की बेटी हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। अंजू ने कहा कि उसका पाकिस्तान जाने का कोई प्लान नहीं। अंजू ने कहा कि वो जाकर आ गई है, अब नसरुल्ला को यहाँ बुलाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।